गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट फर्स्ट का यानी स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2 ऑफ यूनिट फर्स्ट विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आपका जो दूसरा चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का वो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। यहाँ पर आप एक नए टर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम बेसिक इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो चैप्टर है विभव या पोटेंशियल वो क्या होता है। तो हम सबसे पहले विभव के बारे में समझेंगे। चैप्टर 2 यूनिट फर्स्ट। नाउ विभव या पोटेंशियल, जिसे हम विद्युत विभव भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। अभी तक हम आवेश या चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और हमने चार्ज के कारण उसके आसपास उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के बारे में यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। हमने ये भी पढ़ा कि कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल या द्विध्रुव जो है उसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में कोई बल आ जाए, कोई दूसरा आवेश या चार्ज आ जाता है तो उसकी धारिता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये भी हमने पढ़ा है। अब आज हम विभव को पढ़ने के लिए उसी आवेश को पहले जानेंगे कि मान लीजिए कि कोई आवेश बहुत दूरी पर स्थित है, जिसे मैं कितनी दूरी पर है उसके लिए एक टर्म यूज़ कर लूँगी सीधा अनंत। अनंत मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब कोई चार्ज इनफाइनाइट पर रखा हुआ है और यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। मुझे इस चार्ज को वहाँ से खींच कर कहाँ तक लाना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी एक पॉइंट तक खींच कर लाना है। तो मुझे पता है कि ऑलरेडी ये क्या है, इसके पास एक फोर्स काम करता है, ठीक है, और ये इस पर मैंने वर्क डन किया, इस पर मैंने एक फोर्स लगाया और इसे मैं खींच कर कहाँ तक लाई, पॉइंट पी तक, ऐसा मान लीजिए। तो जब इस पर जो फोर्स लगा है, जो इसे इनफाइनाइट या किसी भी दूरी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको खींच कर लाई हूँ मैं, तो जितना भी फोर्स लगा इनटू उसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस जगह से वो यहाँ आया। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वर्क डन। यानी कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, हम उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, मान लो ये पी पर विभव की गणना करनी है, तो ये आवेश को जहां से भी खींचकर आप बिंदु पी पर लाए, तो इस पी पर विभव क्या होगा, इसको जहां से भी खींचकर यहां तक लाए हो, तो उसके लिए आपने जो भी वर्क डन या कार्य किया है उसे हम विभव कहते हैं। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड अ पोटेंशियल। दैट मीन्स आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक ला रहे हो तो उसे उस पॉइंट पर क्या कहेंगे, उसका पोटेंशियल कहेंगे। पोटेंशियल को समझने का बहुत सिंपल तरीका है, वी वी से डिनोट करते हैं इसे, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। याद रखिएगा इकाई इसकी वोल्ट होती है, इसे वी से दर्शाते हैं। और वी क्या होता है, जितना भी वर्क डन किया जा रहा है किसको लाने में, किसी चार्ज को। मैंने यहाँ चार्ज लिखा था तो चार्ज का कोई तो परिमाण या मैग्नीट्यूड होगा, तो V इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। आपने दोस्त छोटी क्लासेस में ये देखा होगा कि जब दो सेल लगे होते हैं, एक प्लस एक माइनस, ठीक है, ऐसा कुछ सर्किट देखा होगा, और आप यहाँ पर पोटेंशियल देखते हो 5 वोल्ट, बैटरी लगाते हैं ना 12 वोल्ट, तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से कहाँ तक डिस्प्लेस होकर आ रहे हैं, इस पॉइंट तक, मतलब उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल पॉइंट से कहाँ तक हो रहा है,
फाइनल पॉइंट तक, मतलब इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लग रहा है जो वो यहाँ से चलकर कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से घूमकर किस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कैसे पता चलेगा, इसका इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो जितना भी फोर्स लगा और जितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से कहाँ आए, इस एंड तक आए, तो जो भी इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या कहलाएगा, इनके इस इलेक्ट्रॉन पे किया गया वर्क डन, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसका पोटेंशियल। ठीक है, तो आई रिपीट अगेन, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड अ पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि हम V इक्वल टू, अगर फॉर्मूला वाइज कहेंगे तो W अपॉन Q। अब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल को अगर डिफाइन करना है, 1 वोल्ट विभव कितना होता है, तो हम जानते हैं कि जब आवेश 1 वोल्ट रखना है, यानी कि आप काम को 1 जूल कर लीजिए, 1 जूल कार्य, और आवेश को 1 कूलम कर लीजिए। यानी कि जब आप किसी आवेश को ला रहे हैं अनंत से कहाँ पर, विद्युत क्षेत्र के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस चार्ज को आप 1 कूलाम रख लीजिए। तो अब आप कैसे समझाएंगे इसे कि किसी भी 1 कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए अगर आपने 1 जूल वर्क डन किया है, तो वो पोटेंशियल उस पॉइंट पर क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल मतलब 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलाम। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML2T-3A-1। ओके, अब हम देखेंगे कि विभव कितने प्रकार का होता है। तो विभव 2 प्रकार का होता है, पोटेंशियल 2 टाइप का होता है, एक तो होता है धनात्मक विभव और दूसरा ऋणात्मक, जिसे कहेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल और सेकेंड है नेगेटिव पोटेंशियल। अब पॉजिटिव पोटेंशियल में क्या होता है कि जो वर्क डन किया जा रहा है, मतलब आप इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए जो वर्क डन कर रहे हैं, वो अगेंस्ट हो किसके, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के। हमें पता है ना कि प्लस क्यू चार्ज पर हमेशा फोर्स लाइन कहां होती है, आउटवर्ड होती है ना, और अगर माइनस क्यू चार्ज है तो सारी लाइन इनवर्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगर अगेंस्ट में इलेक्ट्रिक फोर्स अगर बाहर की तरफ लग रहा है और आप इसे खींचकर इस तरफ ला रहे हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर वर्क डन कर रहे हो तो वो पॉजिटिव वर्क डन कहलाता है। जबकि नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब होता है जो भी वर्क डन किया जा रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स को समझने के लिए आप देखिए कि यहाँ पर अगर मैंने कहा कि इस चार्ज को मैं खींच कर यहाँ तक ला रही हूँ, अब ये खुद क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, तो इस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश है, जैसे प्लस क्यू आवेश होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण कोई विद्युत क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है, और इस आवेश को मैं यहाँ तक खींच कर ला रही हूँ, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर एक बल लगेगा। अब वो बल कैसा होगा, या तो वो बल इसको दूर फेंकेगा, हमने कल पढ़ा है ना कि कोई भी आवेश होता है उसके आसपास उसका एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है, और अगर वो दूसरा आवेश उसके पास आता है तो वो आवेश उस क्षेत्र के अंदर, उस आवेश के आने के कारण, मान लो ये आवेश आके यहाँ बैठ गया, तो इसका बल इस पर जरूर लगेगा। तो उसी प्रकार अगर इस विद्युत क्षेत्र से इस आवेश पर बल बाहर की तरफ लगता है, और जबकि हम इसे इस तरफ खींच कर ला रहे हैं, मतलब इस पर जो विद्युत बल है वो क्या होगा, हमारे द्वारा लाए गए बल के विपरीत होगा, यानी कि ये जो जिससे यह गति कर रहा है, जिस तरफ जिस दिशा में, उस दिशा के विपरीत होगा, तो वो क्या कहलाएगा, धनात्मक विभव या पॉजिटिव पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन अगर वो चार्ज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके थ्रू जो फोर्स लगाया जा रहा है वो इनवर्ड होगा, तो अगर वो यहाँ पर सपोज करो नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मान लीजिए कि अगर ये नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, मतलब वो उसे अपनी ओर खींचेगी, और उस केस में हमें भी तो उसे यहाँ पर खींच कर ही लाना है, तो दोनों के डायरेक्शन सेम होना मतलब नेगेटिव पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके साथ ही हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर किसे कहते हैं। तो हमने देखा
कि विभव का मतलब तो हुआ जितना भी वर्क डन हमें लगा है किसी चार्ज को एक पॉइंट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि उस चार्ज को हमें किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए और उसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन तक लाना है, तो मान लो कि इन्फाइनाइट से इसकी पोजीशन यहाँ है और इसकी यहाँ है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया है उसे, वो डिफरेंस जो होगा पोटेंशियल का, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मान लो इसे इन्फाइनाइट से ये पॉइंट ए है और ये विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई पॉइंट बी है, इसे यहाँ से खींचने के लिए जो पोटेंशियल या वर्क डन किया जा रहा है वो वी ए है और इसके लिए जो वर्क डन किया जा रहा है वो वी बी है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर ये चार्ज ए पोजीशन पर था और वहां से ये डिस्प्लेस होकर बी पोजीशन पर आ गया, ठीक है, तो इन दोनों के जहां पर भी सरफेस पे अलग अलग पॉइंट है और ये जहां पर भी शिफ्ट हुआ है, मान लो इस पॉइंट पर शिफ्ट हो गया ए से बी की ओर, तो इसका जो ए तक के लिए जो पोटेंशियल था, ठीक है, और बी तक के लिए जो पोटेंशियल था, उनके बीच का जो डिफरेंस है वी बी माइनस वी ए, अंतर, विभवांतर कहते हैं ना, विभव का अंतर, तो यहाँ पर एक विभव और ये विभव, अगर विद्युत क्षेत्र में ही कोई आवेश एक जगह से दूसरी जगह आ जाए तो दोनों के विभव का जो अंतर होता है वो विभवांतर कहलाता है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट तो वी से ही करेंगे, पर वो क्या होगा, दोनों विभव का अंतर और डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे वहां पर वो चार्ज को लिखेंगे जिस चार्ज को हमने मूव करवाया। अब ये चार्ज क्यू नोट है या क्यू है तो आप क्यू लिख लीजिए, सिंपल, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने में जितना काम किया जाता है, जितना वर्क डन किया जाता है, जितना कार्य किया जाता है, उसे हम विभवांतर कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करने के लिए जितना भी वर्क डन किया जा रहा है वो वर्क डन क्या कहलाएगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और फॉर्मूला आपको पता है, दोनों पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट हुआ तो दोनों के लिए जो पोटेंशियल थे उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्यू होता है, ठीक है। तो आज हमने विभव के बारे में पढ़ा, कल नहीं या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।